सो फ्रेंड्स वेलकम, स्वागत की अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल Google क्लासेस पे। और आज हम मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक साइमल्टेनियसली शुरू कर रहे हैं। पैरेलल में हमारा परमुटेशंस भी चल रहा है, उस पर भी वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड होते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द न्यू टॉपिक। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वाइट इजी सब्जेक्ट, क्वाइट इजी टॉपिक विद सेट्स, ऐसा टॉपिक जिसे हम सेट्स के नाम से जानते हैं। सो दोस्तों, सेट्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। एज पर द डेफिनेशन, सेट्स आर नोन एज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। तो ये खास तरह की चीज जो है उसके कलेक्शन को, उसके समूह को हम सेट कहते हैं मैथ्स की टर्म में। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे पास ताश के पत्ते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स, वो एक सेट है, पत्तों का सेट है। ये खास तरह की चीज़ें पर्टिकुलर काइंड, जैसे यहाँ पे मेंशन किया पर्टिकुलर काइंड। क्रिकेट टीम है, सो क्रिकेट के साथ ही जुड़े हुए लोग हैं तो उनकी टीम है, तो ये भी एक सेट हो गया। कुछ लोगों का ग्रुप, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, सो वो भी एक सेट हो गया। फाइन, बट मैथ्स में सेट की एग्जांपल क्या होंगी? जैसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर 1 से लेके जो शुरू हो, 2 3 4 सो ऑन, ऐसे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर बिगिनिंग विद 1, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर का सेट। फाइन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। उसी तरह से हम कहते हैं रियल नंबर का सेट, उसी तरह से हम कहते हैं रेशनल नंबर का सेट्स। तो ऐसे ढेर सारे जो एग्जांपल हो सकते हैं मैथ्स में भी। जैसे हम बोलते हैं ट्राइंगल्स का सेट, अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स का सेट। अलग अलग तरह की ट्राइंगल्स मतलब आपने पढ़ा होगा, स्केलिंग ट्राइंगल, स्केलिंग ट्राइंगल्स होती हैं, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होती हैं, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती हैं। सो ये भी क्या हो गए? ट्राइंगल्स के सेट। सो प्राइम नंबर्स के सेट, अलग अलग पॉइंट्स के सेट। सो ये सारी मैथमेटिक्स में एग्जांपल है सेट्स की। बहुत ईजी सी डेफिनेशन है, इसमें कुछ बड़ी समझने वाली बात है नहीं। फाइन, बट यहाँ पे इतना सिंपल होने के बाद भी इसमें लोग गलती करते हैं। वो गलती करने के जो पॉइंट्स हैं उन पर आपको मैं दोबारा से एक बार अटेंशन दिलवाता हूँ कि जो कलेक्शन जिन ऑब्जेक्ट्स की हम कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ पे जैसे लिखा पर्टिकुलर काइंड, तो इसकी जगह आप एक और वर्ड मेरी तरफ से ऐड करवा दो। हालांकि एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, बट तब भी अगर ये वर्ड आप अटेंशन में रखोगे, वेल डिफाइंड वाला, तो आपका क्वेश्चन कभी भी आपको सेट पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी थोड़ी रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वार्म अप करते हैं कि हमें सेट्स की पहचान हुई या नहीं, कितनी ये तुम्हारे मानस पटल पे बैठी डेफिनेशन। सो लेट्स बिगिन विद आइडेंटिफिकेशन। स्टेटमेंट में आपको शो कर रहा हूँ, आप उनको पढ़ें एक बार, पॉज करें वीडियो को, खुद से मन में सोचें कि किस स्टेटमेंट को हम सेट कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते। तो द स्टेटमेंट गोज एज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफिकेशन मैंने आपको एक ही बात बोली कि वेल डिफाइंड वर्ड, आप इसको याद रखो, ठीक। वेल डिफाइंड, पर्टिकुलर एक तरह की चीज़ें हैं, वेल डिफाइंड है वो, तो हम बोलेंगे सेट है, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। फाइन, जैसे फर्स्ट लाइन है, होप आप सबने सोच लिया होगा और अब आप टैली करें आप अपने आंसर को मेरे साथ। सो इनफैक्ट एक्चुअली मैं आपको बोल दूं कि यही आपका क्राइटेरिया रहना चाहिए पूरी वीडियो के दौरान। ऐसा नहीं कि आपने इसको जस्ट एज ए न्यूज सुन लिया, सो उससे आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली। आप एक टॉपिक को समझें, बस उसके रूल्स, कॉन्सेप्ट को। जब प्रैक्टिस सेशन कोई जैसे ये प्रैक्टिस शीट वो आती है तो आप वीडियो पॉज करें, उसको सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन को देखें। उससे आपकी भले एरर होंगे स्टार्टिंग के टाइम में, पर आपको ग्रेजुअली आप ग्रो करोगे। सो पहली स्टेटमेंट कहती है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर, जितने महीने होते हैं किसी एक साल में। ओके, सो उन महीनों में भी वो मंथ जिनकी स्पेलिंग जो है लेटर जे से शुरू होती है। तो ये डिफाइंड, वेल डिफाइंड सेट है। समझ आ गया वेल डिफाइंड क्यों? इतनी सारी टर्म्स कंडीशन दे रखी है। पहली बात तो 12 ही महीने होते हैं, वो भी डिफाइंड है। उन 12 में भी क्या डिफाइन कर दिया? जिनका नाम जे से शुरू हो। सो ये कैसा सेट हो गया? इनफैक्ट ये सेट हो गया। कैसा सेट नहीं, मतलब ये सेट है या नहीं ये हम चेक कर रहे हैं। सो ये एक वेल डिफाइंड सेट है जिसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। ओके, जैसे हम बोलेंगे कि जे से शुरू होने वाले मंथ में कौन कौन से चीज़ें आएंगी। सो हम सेट को कैसे लिखते हैं? वैसे तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं सेट को लिखने के, बट जस्ट मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि कैसे लिखो। ऐसा ब्रैकेट लगा दो, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, कर्ली ब्रेस बोल दो। अपने वो क्या क्या लिखना है, जो एलिमेंट हमारे सेट में आते हैं वो अपने को इस कर्ली ब्रेस के अंदर लिखना है। जैसे ये कर्ली ब्रेस इधर से ओपन इधर से क्लोज किया, इसके अंदर जनवरी आएगा। देन फरवरी का तो स्पेलिंग एफ से स्टार्ट होता है, अपने को सिर्फ जे वाले लेने हैं। मार्च भी नहीं आएगा, अप्रैल भी नहीं आएगा, जून आएगा, देन जुलाई आएगा, अगस्त भी नहीं आएगा, सितंबर भी नहीं, अक्टूबर भी नहीं, नवंबर भी नहीं, दिसंबर भी नहीं। सो ये तीन एलिमेंट है हमारे सेट के। सो ये हमारा सेट क्यों कहलाया, क्योंकि इसमें डिफाइंड है बिल्कुल हर एक चीज़, जो भी इसके एलिमेंट है उनको बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया। देन सेकंड, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो बच्चों को जो डाउट होता है वो इस एक स्टेटमेंट से बहुत हद तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है बहुत से लोगों को लगता है कि ये सेट है, बट ये सेट नहीं है। क्यों ये सेट नहीं है मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि इसने जो क्राइटेरिया दिया है एलिमेंट लिखने का वो क्या है, मोस्ट टैलेंटेड। अब आप अपनी क्लास में कभी सोच के देखो, जिन लोगों के साथ आपने पढ़ा है वाले मार्क्स कार्ड मिलते थे, वो अलग बात है कि हम बोलते थे ये फर्स्ट आ गया ये सेकंड आ गया, बट आप अपने दिल से पूछ के देखोगे तो जरूरी नहीं जो फर्स्ट आया होगा वही टैलेंटेड है। नहीं, हो सकता है सारा स्कूल सारा कॉलेज सारा संसार बोलता हो कि ये बंदा टैलेंटेड है, पर आपका दिल कभी माना ही नहीं हो कि ये टैलेंटेड है। आपको वो बंदा टैलेंटेड लगा होगा उसका जो 10 बार फेल हुआ होगा। क्यों? क्योंकि टैलेंट की कोई डेफिनेशन वेल डिफाइंड होती ही नहीं है। टैलेंट कोई यूनिलेटरल यूनिडाइमेंशनल चीज़ नहीं है जो कि आपने ये लिटमस पेपर डाला और ये पता चल गया टैलेंटेड है या टैलेंटेड नहीं है। समझे, टैलेंटेड बहुत मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है, जिसको कि हम वेल डिफाइंड तरीके से डिफाइन ही नहीं कर सकते एक्चुअल में। किसी के लिए हो सकता है चेतन भगत बहुत टैलेंटेड होगा, और किसी के लिए हो सकता है कि वो बेकार सा ऑथर हो। ये डिपेंड करता है हमारा टेस्ट क्या है रीडर का। मैं आपको इससे भी एक अच्छी एग्जाम्पल बताऊँ। मान लो यहाँ पे राइटर की जगह पेंटर होता, ठीक है, ये बात आपको इजीली समझ आएगी अगर यहाँ पे आप पेंटर को सोच के देखो। आज की पेंटिंग्स आपने देखी होंगी दुनिया में, जो पेंटिंग बनती है कुछ ऐसी भी पेंटिंग बनती है, हालांकि किसी की निंदा नहीं कर रहा, मतलब ऐसे लाइनें ऐसी बना लेते हैं और उनको रिवॉर्ड भी मिल जाते हैं, बड़े बड़े अवार्ड मिल जाते हैं ऐसे पेंटर्स को। तो जबकि आप कोई एंशिएंट या क्लासिकल पेंटर होगा तो वो ऐसी पेंटिंग्स देख के पुराने पेंटर जो हैं वो हंसते हैं कि ये क्या पेंटिंग्स हैं ऐसी, ये जैसे किसी ने लाइनें लकीरें मार रखी हैं। और जो मॉडर्न पेंटर हैं वो इसके ऊपर मतलब ढेर सारी कहानियाँ बनाती हैं, ये ऐसी है वैसी है, आप क्या जानो। या फिर आप सॉन्ग देख लो, आज के सॉन्ग कैसे हैं, हम भले उनको क्या भी नाम देते हों, पर जो रियल में मतलब जो गानों की परख रखते हैं, समझ रखते हैं, तो वो वैसा गाना सुन के कई बार आपने बड़ों से सुना होगा कि ये गाना है छोरे बंद करो इसको। हमारे लिए जो गाना बहुत अच्छा है वो किसी और के लिए हो सकता है वर्स्ट हो, वर्स्ट वो उनके लिए नॉइस पोल्यूशन है। उसी तरह से जो किसी के लिए पेंटिंग अवार्ड विनिंग है वो दूसरे के लिए उसका लकीरें हैं। सो लाइक वाइज यहाँ पे राइटर में भी यही बात है। ये क्योंकि डिफाइंड ही नहीं किया जा सकता टैलेंट को किसी भी चीज़ के, सो इसलिए आप ये 10 वर्ड देखे लोग इसको बोल देते हैं सेट है, बट ये सेट नहीं है, क्योंकि जो इसमें पैरामीटर दिया हुआ है सेट को बनाने का वही डिफाइंड नहीं है। ओके, सो दिस इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, सेम इसी तरह से बेस्ट क्रिकेटर, ये भी सेट नहीं हो सकता। अब वो लोग देखो जो बेस्ट होते हैं उन्हीं को तो टीम में उतारा जाता है, सो जो खेल रहे हैं वही बेस्ट है, तो ऐसा नहीं है ना। आप सबको पता है कि कैसे क्या क्या चीज़ें चलती हैं, सो ज़रूरी नहीं है कि जो आए हैं खेलने वही बेस्ट होंगे। हो सकता है एक हमारा बहुत ही बेहतरीन कोई क्रिकेटर जो है वो बाहर बैठा है जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, में भी इंजरी है या कुछ भी बात है। सो बेस्ट कैसे कौन डिसाइड करेगा बेस्ट, ये इसलिए ये जो बेस्ट वेस्ट वाली बातें होती हैं ये नॉट अ सेट है। ठीक, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन आवर क्लास, जितने बच्चे हैं उनकी कलेक्शन, हाँ ये वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ये नहीं बोला कि बड़ा खूबसूरत बॉय चाहिए अपने, कोई ऐसा ऐसा जो बॉय सारे सबकी कलेक्शन, सबकी कलेक्शन तो मतलब हाँ वो लिमिटेड से बॉय हैं, सबकी कलेक्शन है तो सेट है। डिफाइन कर दिया आपने हम किसको ले रहे हैं, उन बच्चों को ले रहे हैं, ठीक, तो ये डिफाइंड है और ये वेल डिफाइंड सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम जितने नेचुरल नंबर हैं, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 100 अप टू इन्फिनिटी हो जाते हैं, पर अपने को कहाँ स्टॉप करने के लिए बोला है, 100 से कम पे जो नेचुरल नंबर आता है वहाँ पे मतलब 99 तक आप जा सकते हो लेके, तो ये भी सेट हो गया। ओके, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवल लिखी उनकी कलेक्शन, सो उसने जो भी नॉवल लिखी वो कंपाइल की गई है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सारी कंपाइल कर दी गई हैं। अब ऐसे आप सोचोगे कि हो सकता है प्रेमचंद ने कोई नॉवल लिखी और वो उसके घर वालों ने किसी ने फाड़ दी, पब्लिश नहीं हुई, पर ऐसा नहीं है। आप ये ज़्यादा असम्पशन भी नहीं करनी हद से ज़्यादा। ये मुंशी प्रेमचंद ने जितनी नावल लिखी वो पब्लिश हुई, तो उन सबका कलेक्शन अगर आप ढूंढोगे किसी भी अच्छी लाइब्रेरी में तो आपको मिलेगा। सो ये सेट है। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स, जितने इवन नंबर है उन सबका कलेक्शन। सो आप जैसे इवन नंबर 2, 4, 6 वन, आप बोलोगे इन्फिनिटी हो जाएगा, भले जाएगा बट है तो डिफाइंड ना, सो इसको बोलेंगे सेट। ये आगे फिर जैसे कि हम जब हम टाइप्स पढ़ेंगे कि हाँ भाई इनफाइनाइट सेट या फाइनाइट सेट, तो उसमें अलग अलग मतलब कैटेगरीज में बंट जाएंगे। ये कि अपन बोलेंगे कि ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि ये इवन नंबर तो आप अनगिनत हद तक चले जा सकते हो, अनगिनत हद तक। तो इनफाइनाइट सेट है बट है तो सेट, वेल डिफाइंड है। हम क्या डिफाइन कर रहे हैं वो क्लियर है, यहाँ पे इवन नंबर डिफाइन कर रहे हैं तो आपको ढूंढ सकते हो। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन चैप्टर, जितने चैप्टर में किसी में क्वेश्चन है उनका कलेक्शन। सो कोई चैप्टर मान लो आप पढ़ते हो, एनसीईआरटी एक बुक पकड़ लो, जितने क्वेश्चन है उन सबको आप बोल सकते हैं हाँ ये काउंट करके बता दिए, डिफाइन। तो ये भी एक सेट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक, जितने भी सबसे अच्छा नहीं जितना एनिमल है उन सब में से सबसे खतरनाक जो है वो उनकी कलेक्शन नहीं एनिमल्स है। सो काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, मतलब आप जो सबसे खतरनाक है उनकी कलेक्शन करो। सब हो सकता है किसी को कुत्ते से ही बहुत डर लगता है तो उसके लिए कुत्ता ही बहुत खतरनाक है, ठीक है। और आपने देखा होगा स्कूल में कैसे कैसे हमारे साथी रहते हैं कि छिपकली निकली तो क्या क्या हल्ला मचा लेते हैं। सो उनके लिए छिपकली डायनासोर से ऐसी रहती है कईयों के लिए, तो सो कौन डिसाइड करेगा कौन खतरनाक है, ठीक है। तो इसलिए ये जो डेंजरस है, जो मतलब ये समझो एक तरह से कि ये जो एडजेक्टिव होते हैं ना, विशेषण जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, ये एडजेक्टिव डिफाइन ही नहीं होते एक्चुअल में। सो इसलिए ये भी सेट नहीं है। सो एक ये सेट नहीं है और एक टैलेंटेड वाला सेट नहीं है, बेस्ट क्रिकेटर सेट नहीं है। बाकी हमने देख लिया कैसे कैसे हमने चीज़ों को प्रोसीड किया। सो अब चलते हैं, देखो हमने डिफाइन मतलब सेट की डेफिनेशन दे दी, कुछ प्रैक्टिस भी कर ली अपने को सेट की, थोड़ी थोड़ी समझ हो भी गई होगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते और क्लियर होती जाएंगी। ऑब्जेक्ट एलिमेंट की चीज़ें एक ही बात है। तो मैंने आपको एक सेट दे दिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टाइल है सेट लिखने का, लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू ये ब्रेसेस है करली ब्रैकेट्स, ठीक। सो जैसे ये ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, तो आपको पता है करली ब्रैकेट के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये सेट के एलिमेंट है। और ये करली ब्रैकेट के शो करता है सेट को, ठीक है। ये करली ब्रैकेट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट लिखे हैं, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो ये जो चीज़ है यहाँ से आती है इस पूरी को क्या बोलेंगे, सेट। ओके, और इस सेट का नाम क्या दे दिया, ए इक्वल्स टू, मतलब सेट ए किसके बराबर है, जो इस ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं उसके बराबर है, ठीक है। मतलब इस सेट ए में ये चीज़ें आती हैं, ये एलिमेंट आते हैं। कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है इसमें। ओके, सो आपको एक सिंबल इंसर्ट करने का बोल रहा है ये, इसको हम बोलते हैं मैथ्स की दुनिया में एलिमेंट ऑफ। ओके, इसको पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ। और इसी के बीच में अगर आपने कट मार दिया तो इसको बोलेंगे नॉट एन एलिमेंट ऑफ। ओके, तो इसको क्या पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ, और इसको पढ़ते हैं नॉट एन एलिमेंट ऑफ। ओके, अब देखो आपको ये लगाना है ई, और ये क्वेश्चन किस तरह का है, सपोज करो अगर मैं लिखता हूँ 2, आगे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स डाल दिए, बिंदिया मतलब फिल इन द ब्लैंक, फिलअप है, ठीक। और यहाँ लिखता हूँ ए, ठीक है। 2 का एक के साथ रिलेशन क्या है, मैं बोलूँगा 2 जो है वो ऑब्जेक्ट है किसका, इस सेट का। सेट का नाम क्या है, ए। सो कैसे लिखेंगे, 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, समझा, 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखा होता 10, क्या 10 आपको सेट ए में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। सो क्या बोलूँगा, 10 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बस यही काम करना है आपने। सो सिंपल करके देखो, 5 क्या 5 हमारे एलिमेंट का सेट है तो यहाँ पे आपने लगाना ई, ई मीन्स एलिमेंट ऑफ, ठीक है। मैं ई बोल रहा हूँ आपको, मतलब एक्जैक्टली ई भी नहीं है ये, बट एलिमेंट ऑफ पढ़ना इसको, बस अपना बिल्कुल इंजीनियर उनके चलेंगे। ओके, इसको मैं नेक्स्ट टाइम में एलिमेंट ऑफ बोलूँगा, इसको बोलूँगा नॉट एन एलिमेंट ऑफ। सो 4 हमारे सेट का एलिमेंट है, सो बोलूँगा 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 8 नहीं एलिमेंट कहीं हमारे सेट में, सो नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 2 एलिमेंट है, सो लिखेंगे 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। 0 नहीं है, सो लिखेंगे 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 10 नहीं है, सो 10 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट। वो भी सारी फिलअप्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मैंने एक तरीका तो बताया करली ब्रैकेट्स के अंदर, एक और भी तरीका है आपको जो सीखना है। सो पहले हम दोनों रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं, इनके नाम क्या क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, सेट को हम कितने मेथड में रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक होता है रोस्टर मेथड, इसको हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, और एक होता है सेट बिल्डर। जो मैंने आपको एक तरीका भी बताया कि आप जैसे ये जो भी एलिमेंट है, ये जो आपने तरीका देखा भी, ये सेट ए लिखना था, मैंने करली ब्रैकेट लगाया और जो एलिमेंट मेरे सेट के हैं वो मैंने इस करली ब्रैकेट के अंदर शो कर दिए। तो इस तरीके को सेट के रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं, ये मेथड सेट रिप्रेजेंटेशन का बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड। ये रोस्टर वर्ड ज़्यादा यूज होता है, बहुत रेयरली कभी कोई इसको टेबुलर फॉर्म भी बोल देता है, ठीक है, बट आपको रोस्टर याद रखना है, ठीक। तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म आपने देख लिया किस तरह का होता है। दूसरा मेथड एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको मैं अलग से टाइम दूंगा, अभी फिलहाल जो आप रोस्टर फॉर्म आपने देखी, सो इसकी डेफिनेशन देखो। ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, हमने क्या किया जैसे अभी पहले सेट ए में लिखा था मैंने, ए इक्वल्स टू, फिर ब्रेसेस लगाए 1 2 3 4 5 6, क्या क्या किया हमने, बस वो डेफिनेशन में लिखा कि जितने एलिमेंट आपके हैं उस सेट के, उसको आपने लिस्ट कर दिया, लिस्ट में उसकी लिस्ट बना दी, किसमें, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और कैसे सेपरेट किया, विद द हेल्प ऑफ कॉमा, ठीक, एंड इनक्लोज विद इन ब्रेसेस, ब्रेसेस ब्रैकेट एक ही बात है, और इनको आपने इनक्लोज किया ब्रैकेट के अंदर, सो इसको बोलते हैं रोस्टर। ओके, ये डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी और बोलेंगे कि ये बात जो होती है किस फॉर्म में होती है, सो रोस्टर फॉर्म। या आपने आपको मान लो डायरेक्ट एक इस तरह का सेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ये कुछ ये लिख के दे दिया, बोलेंगे दिस इज, और चार ऑप्शन दे दिए, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर बोल देंगे मान लो कोई मॉन्स्टर फॉर्म बोल दिया, कुछ अलग सा वर्ड जो होता ही ना, और लास्ट में बोल दिया ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको पहचान होनी चाहिए, जहाँ आपको कर्ली ब्रेसेस दिख गए और कॉमा लगे हुए दिख गए एलिमेंट के अंदर, सो उसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब आप जरूरी नहीं किया बोलो कॉमा दिखेगा ही दिखेगा, सपोज करो अगर ऐसा है ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट और अंदर मैंने लगा दिया एक एलिमेंट 1, आप बोलो सर कॉमा नहीं है इसलिए रोस्टर फॉर्म नहीं है, तो अपने को अपनी अकल भी साथ रखनी है कि अगर एक एलिमेंट है तो कॉमा काहे के लिए डालना है इधर, कॉमा तो तब डालेंगे ना जब दो एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट से कॉमा डालने का मतलब नहीं बनता। सो मैंने बच्चों को ऐसे भी एरर करते देखा, बच्चे कहते हैं सर ये रोस्टर फॉर्म नहीं है, पूछो बच्चे क्यों नहीं है तो बोलते हैं सर कॉमा ही नहीं है। सो कॉमा तब होगा जब मल्टीपल एलिमेंट होंगे, अगर एक है तो फिर जरूरी नहीं कि कॉमा होगा ही होगा, ठीक है। इसने बोला कॉमा कब होगा जब एलिमेंट्स होंगे, मतलब प्लूरल फॉर्म है, एक से ज्यादा एलिमेंट हो गए तो उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा। अब सपोज करो कई बार ऐसे होगा खाली ब्रैकेट डाल दिया और अंदर लिखा होगा 5, इस तरह का सिंबल, ठीक है। इसका मतलब होता है मैथ्स की दुनिया में इसको, वैसे तो ग्रीक वर्ड इसको 5 बोलते हैं, बट अपने को इसको यहाँ पढ़ना है सेट की चैप्टर में, इसको सेट वाले चैप्टर में इसको नाम देते हैं नल, NULL, नल, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं void, 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 ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो आप बिल्कुल ही, अगर साधारण अंग्रेजी यूज करें, सो एम्प्टी, ठीक है, मतलब ये खालीपन का निशान है ना। सो ये खाली एक 5 बीच में, मतलब गोला और बीच में डंडी 5, या बोल दो नल या void, इसका मतलब क्या हो गया कि एक सेट तो है पर उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इस ऐसे सेट को क्या बोलते हैं नल सेट, ठीक है। आगे सेट की टाइप हम पढ़ेंगे दोबारा से, बट मतलब अभी कहने का मतलब क्या है कि रोस्टर फॉर्म में आपको हो सकता है एक से ज्यादा एलिमेंट दिखे, हो सकता है एक ही दिखे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको रोस्टर फॉर्म पहचान में आनी चाहिए कुछ भी हालत में, चाहे एक से ज्यादा एलिमेंट है तो भी पहचान आनी चाहिए, अगर एक एलिमेंट है जैसे मैंने 1 डाला था पहले तो भी पहचान आनी चाहिए कि रोस्टर है, और अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है उसमें तो फिर उसका निशान क्या होता है, उसका सिंबल रहता है ये 5, एक सर्कल बीच में कट, वर्टिकल कट, सो ये 5 नल सेट, मतलब इस एलिमेंट, मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब इसमें कोई भी नहीं आता। अब बोलोगे इसका क्या मतलब होगा, तो इसको पढ़ेंगे अपन अभी डेप्थ में, नल सेट का क्या मीनिंग होता है, बट रोस्टर फॉर्म आपको पहचान होनी चाहिए। एक और पॉसिबिलिटी वो भी डिस्कस कर लेते हैं, मान लो ये डॉट 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 ऐसा दिखा दिया रोस्टर फॉर्म में, तो उसका मतलब कि डॉट डॉट बिंदी बिंदी चलती जाएगी इनफाइनाइट तक, तो ये बोलेंगे कि इनफाइनाइट सेट हो गया। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल, ये भी बड़ी काम की बात है। जैसे मैं आपको बोलूँ, इसे थोड़ा छोटा करता हूँ मैं भी सेट को, 1 2 3, ओके, एक मैंने बोला सेट 1 2 3 और दूसरे ने लिखा b इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 2 3 1, तीसरे ने लिखा c इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 3 1 2, ठीक है। अब a सेट, b और सेट c, 3 सेट हैं, ये तीनों बराबर हैं। क्या बोलोगे सर कैसे बराबर, यहाँ 1 2 3 यहाँ 2 3 1 है। सो हमने बोला, हम किस सेट को बोला कि हमने कलेक्शन बोला ना सेट के लिए, और कि सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है। कलेक्शन मतलब मेरे पास कितनी चीजें, मेरे पास कौन कौन सी चीजें, तो मेरे पास मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम 1 है, एक ऑब्जेक्ट है 2, एक ऑब्जेक्ट है 3, और यहाँ भी मेरे पास क्या कलेक्शन है, 1 भी है 2 भी है 3 भी है, यहाँ भी क्या है 1 भी है 2 भी है 3 भी है। सो मैंने कहाँ शो किया है उसको अपनी लिस्ट में, उससे वास्ता नहीं है, वो मेरे पास है या नहीं, बस इससे वास्ता है। सो ए बी सी 3 नाम देने से अच्छा इन सबको मैं ए बोल दूँ। ये जो बी है, ए है, सी है, ए की मतलब है ये भी ए है, ये भी है, या फिर सबको बी भी बोल दो, सबको सी सी बोल दो, एक मतलब। या फिर आप बोल दो कि सेट ए इक्वल टू सेट बी। अगर यहाँ बी लिखते हो, यहाँ आप सी लिखते हो, तो फिर वह बोलोगे सेट ए इक्वल टू सेट बी इक्वल टू सेट सी। तो किस ऑर्डर में आप लिखते हो, किस जगह पे ऑब्जेक्ट को लिखते हो, उसका कोई डिफरेंस होता ही नहीं, वो इमटेरियल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, क्योंकि उसका फायदा नीचे। मान लो मैं बोलता हूँ ऐसे 1 1 2 3, ठीक है, तो ये मूर्खता है, नहीं गलत है, बट हमें करना नहीं चाहिए ऐसा, हम करते नहीं है। अच्छे ऑथर होते हैं वो नहीं करते ऐसा, क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने बोला सेट का मतलब है कलेक्शन। कलेक्शन में आपको सिर्फ ये बताना आपके पास 1 है या नहीं। जब मैंने एक बार लिख दिया मतलब हाँ मेरे पास है 1। अब 2 बार लिखने से मतलब ये नहीं कि मेरे पास 2 1 है, नहीं। कलेक्शन में हम एक ऑब्जेक्ट जो है बस उसको एक बार लिखेंगे। हम ये सेट में ये नहीं दिखाते कि हमारे पास वो कितनी बार आ रहा है, नहीं। कलेक्शन मतलब वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, सिंपल, बस दैट्स इट। 1 2 3, डबल नहीं करते किसी एलिमेंट को। ये आपको ध्यान देना, ये छोटी छोटी बातें पकड़नी है, इनमें अटकना नहीं है। सो राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये मैंने आपको कुछ सेट दिए, आपको इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म समझ गया आप, ये ब्रैकेट लगा के और जो जो उसके अंदर एलिमेंट आते हैं वो लिखने। सो हम इससे अपनी थोड़ी रोस्टर फॉर्म की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो सेट ए है और ए इक्वल्स टू एक्स। ये डबल बिंदी का मतलब इसको पढ़ते हैं सच दैट, सच दैट। बहुत सिंपल है, आप बस सुनते जाओ एक बार। सच दैट, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट एक्स है, एलिमेंट यहाँ भी लिखता हूँ हैविंग एलिमेंट एक्स, मतलब ए के जो भी एलिमेंट होंगे उनको हम एक्स नाम देंगे। और एक्स क्या होंगे? इंटीजर होंगे। कहाँ से कहाँ तक होंगे? वो मतलब इंटीजर होंगे। और वो क्या कंडीशन फुलफिल करेंगे? ये कंडीशन फुलफिल करेंगे, मतलब वो इंटीजर जो होंगे -3 से बड़े होंगे और 7 से छोटे होंगे। क्या बात, दोबारा बोलता हूँ, -3 से बड़े होंगे, 7 से छोटे होंगे। देखो नंबर लाइन बनाई मैंने, -3 आएगा यहाँ पे, 7 के ही मान लो, सपोज करो यहाँ आएगा, ठीक है। -3 से बड़ा, इधर जाओगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे, तो बड़ा करना है -3 से, तो कहाँ हो गए? इस तरफ, ठीक है। 7 से छोटा करना है तो कहाँ हो गए? इस तरफ। तो आपने कहाँ से कहाँ तक के इंटीजर लेने, यहाँ से यहाँ तक। तो इधर क्या होगा? -2, यहाँ क्या होगा? -1 0 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। तो इसके और यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, इक्वल टू, ये इसका मतलब होता है x। और इधर लिखा -3, इसका मतलब है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। -3 होगा तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब अपने को यहाँ से -3 जो है ये -3 भी उठाना है। यहाँ लिखा है लेस देन 7, मतलब 7 के नीचे ये लाइन जो है ये नहीं बनी हुई, तो मतलब 7 से छोटा ही होना चाहिए। हमने को 7 को छोड़ देना है, तो 7 को ऊपर मैं करता हूँ खाली गोला, मतलब 7 को नहीं उठाना है, और -3 को उठाना है। तो क्या क्या एलिमेंट बने इसके? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये पहले का आंसर आ गया, वो आपको ईजी लगा होगा। चलते हैं सेकेंड पे। रोस्टर फॉर्म समझ आया कैसे बन गई? क्योंकि मैंने बस ब्रैकेट लगाना था और ये बन गई रोस्टर फॉर्म। अगर आपको और एग्जैक्ट करना है इसको, तो जैसे इसने ये सेट का नाम दिया, आप इसका ये भी चिपका दो साथ में कि रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? ए इक्वल्स टू, सेट ए इक्वल्स टू ये, ठीक है। सेट बी इक्वल्स टू, ये भी आपको पता चल गया होगा अगर पहला समझ आया तो। सेट बी इक्वल्स टू एक्स, जो भी इसके एलिमेंट होंगे वो एक्स से शो कर रहा है। और एक्स के ऊपर क्या कंडीशन है? नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेस देन 6 होना चाहिए। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं? 1 से। 1 से शुरू किए, 6 से कम रखना है, तो 6 से कम नेचुरल नंबर क्या होता है? 5। तो मतलब 1 से लेकर 5 तक इनकी लिखनी है, 5 तक काउंटिंग कर दी मैंने ऐसा, ठीक। इज अ 2 डिजिट नंबर, मतलब थर्ड का आंसर लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी। आपको वो सब समझ आता जाएगा जल्दी से, क्योंकि आपने पहले 2 अच्छे से समझ लिए, तो बाकी में बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं मेरे को फील हो रही लॉजिक को। सो सी इक्वल्स टू, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, आगे जगह कम पड़ जाएगी शायद। एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट का एक्स is a 2 digit natural number such that the sum of its digits is 8। 2 डिजिट के नेचुरल नंबर होने चाहिए और उनका सम करने पे 8 आना चाहिए। देखो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर शुरू ही कहाँ से होते हैं? सोचने वाली बात है। 10 जो है सबसे छोटा 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, और सबसे बड़ा कौन है? 99, समझे? देखो 10 से आगे आप बढ़ोगे तो 8 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 7, ये भी 8 बना देगा। फिर 2, पहले 1, मतलब 10 11 से लेकर के 20 तक की लाइन में देखो जल्दी से नजर घुमा के। मैं बार बार पूरी लिस्ट बनाऊँ उससे अच्छा बस मन की आंख से देखे जाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको काउंटिंग दिखनी चाहिए, बस एक लाइन देखो काउंटिंग 11 से लेकर 20 तक। एक बार मन की आंख से नजर दौड़ाओ, 11 11 से लेके 20 तक 8 बनाना है आपको। कैसे बनेगा ये 11 से 20 तक एक जगह तो फिक्स है, 11 से 20 तक होगा मतलब 1, 11, 12, 13, 14 जो भी काउंटिंग लिखी है उसका जो लेफ्ट हैंड में डिजिट होगा वो क्या रहेगा 1 और 20 में जाके 20 का मतलब यहाँ जो लेफ्ट साइड में होगा 1, 1 ही होगा। और अगर 1 के साथ कुछ और जोड़ना है आपको जिससे कि वो 8 बने तो उसे क्या हो सकता है 7, समझे। सो 11 से लेकर 20 तक की लाइन में केवल एक नंबर है 17। उसी तरह से 20 से लेकर 30 वाली लाइन में एक नंबर है केवल, क्यों क्योंकि आपने लेफ्ट साइड तो फिक्स कर दी 2, जैसे मान लो 2, 1, 2, 2, 2, 3 तो ये नंबर लेफ्ट वाला जो है वो फिक्स है। बाकी बचे जो राइट साइड वाला जैसे 2, 2, 2, 3 ऐसे ये चलता जाएगा आगे। सो यहाँ पे कौन सा नंबर बनेगा 26। आगे आपको समझ आ गई होगी तो अगला बनेगा 3, 5 फिर बनेगा 4, 4 फिर बनेगा 5, 3 फिर बनेगा 6, 2 फिर बनेगा 7, 1 फिर बनेगा 8, 0 वो स्विच कर गया, फिर बनेगा 8, 0 और आगे तो 90 वाली लाइन में तो बन नहीं सकता क्योंकि 9 पहला नंबर है वो खुद से 8 से बड़ा हो गया तो कहाँ से सम कर देगा 8। ठीक है तो ये आंसर है। ये सेट है जिनका होगा आपको बात समझी, 2 डिजिट का नंबर बनाना था, ये 2 डिजिट का नंबर है और उन डिजिट्स का सम जो है 8 होना चाहिए सर। तो ये इस तरह से फिर चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। x is a prime number which is divisor of 60। एक प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवाइजर होना चाहिए। इसमें थोड़ा कलर चेंज करता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। x एक प्राइम नंबर है, होगा आपको प्राइम नंबर बताओगे ऐसे नंबर जो जिनके 2 ही डिवाइजर होते हैं या फिर ये बोल दो कि 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो देम खुद होते हैं। अंग्रेजी में बोले तो नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 is 1 एंड अदर इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब एक तो उसका फैक्टर होगा नंबर 1 और एक होगा वो नंबर खुद। ठीक है जैसे कि एग्जांपल लूँ मैं 3, तो 3 एक प्राइम नंबर है क्यों, क्योंकि 3 के 2 ही फैक्टर है, एक तो 3 खुद मतलब नंबर इटसेल्फ और दूसरा 1। ओके सो ये आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होगा। अब यहाँ क्या बोला है सेट लिखने के लिए जिसका नाम बोला है डी शो करो, हम बोलेंगे सेट। मैं यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन, यहाँ आंसर बोल दो सोल्यूशन ये डी इक्वल्स टू, क्योंकि रोस्टर फॉर्म लिखनी है ये बोला है रोस्टर फॉर्म लिखो, सो मतलब करली ब्रैकेट लगाऊंगा इस तरह से, जो भी कंडीशन के ऊपर खड़े उतरने वाले नंबर होंगे अपन उनको यहाँ फिट करेंगे। ठीक है मेरी करली ब्रैकेट थोड़ी मतलब जल्दबाजी में वो एग्जैक्ट फैंटेस्टिक नहीं बनती तो आप उस चीज़ को मान के चलना कि आपको सुंदर बनानी है। एक्चुअली हालांकि एमसीक्यूज में सुंदर भी क्या करनी है अपने को, वहाँ पर समझ होनी चाहिए। इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, प्राइम नंबर और 60 का डिवाइजर होना चाहिए। देखो 60 का डिवाइजर मतलब 60 को डिवाइड कर दे। ठीक है कोई डिवाइड करेगा तो वो अपने को 60 से छोटे ही नंबर सोचने क्योंकि इससे छोटा नंबर जो है वही अपने को लेना है। सो प्राइम नंबर 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग में देखो जो 60 को डिवाइड करे, सो 1 तो नहीं लेना क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, होप आपको पता होगा। देन 2 प्राइम नंबर है सो वो इसको डिवाइड करता है, 3 भी है वो भी इसको डिवाइड करता है, 5 भी है वो भी इसको डिवाइड करता है, 7 नहीं करेगा, फिर आगे 11 नहीं करेगा, 13 नहीं करेगा, देन 13 नहीं करेगा, 17 भी नहीं करेगा, फिर जल्दी से सोचेंगे 23 भी नहीं करेगा, आगे 29 भी नहीं, फिर आगे कोई भी नहीं है। ठीक है आप करके देख लेना बट मेरे को लगता है 30 नहीं, आगे कोई बचा ही नहीं जो इसको डिवाइड कर दे, बस यही 3 थे। सो यही आंसर है, यही अपने को ब्रैकेट थोड़े पास पहुँचा दी तो ये आंसर हो गया। फिर सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर हैं उनका सेट बनाओ, तो सेट को ई नाम दो। सोल्यूशन सेट को नाम देना ई, बनानी है रोस्टर फॉर्म, करली ब्रैकेट शुरू किया, इसके लेटर्स को लिखना है तो मतलब T, R, I, G, O, N पर यहाँ से थोड़ा बुद्धि का कपाट खुला रखना क्योंकि वो जो है डबल हो रहा है। और मैंने बोला कि हम अपने सेट में अगर हम अकलमंद इंसान हैं तो हम एक एलिमेंट को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। सो क्योंकि हम सच में ही अकलमंद है तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई अपने को मूर्ख कहे। सो हम ओ को 1 बार लिख चुके हैं, हम कल दोबारा नहीं लिखेंगे। एम हमने नहीं लिखा, 1 बार लिखते हैं मतलब उसको। फिर ई जो नहीं लिखा उसको भी लिख दिया अपने सेट में। टी हम लिख चुके हैं, सो टी को नहीं लिखना दोबारा। आर को भी हम लिख चुके हैं, इसको भी नहीं लेंगे। और वाई को हम नहीं लिखे तो हम वाई को ले लिया अपने सेट में, ये बना दिया हमने सेट ई। अब एफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, सो अब सोच लो खुद से क्या बनेगा। तो ये बन गया F इक्वल्स ये B E T दो बार है, अपने एक बार लेना है, E एक बार हो चुका, एक बार लेना है। सो ये बन गया सेट रोस्टर फॉर्म में। ओके, रोस्टर फॉर्म आपको क्लियर हो गई होगी। सो नाउ मूव टू सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है एक्चुअल में, देखो ये जो स्टाइल था ना देने का, ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। इसे हमने ये जो लिखा कि इसने दिया था बी, बी एक सेट है और उसमें एलिमेंट एक्स है, और ये जो दो बिंदियां हैं इसको हमने क्या बोला था, इसको क्या पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है। एक्चुअल में सच दैट ऐसी चार बिंदियां होती हैं, बट यहाँ पे अब इसने दो ही दी हैं तो मैं इसी को सच दैट बोलूँगी, इसका सेंस तभी बनेगा। सो एक्स जो है, एक्स एक एलिमेंट, मतलब एक्स एक एलिमेंट को शो कर रहा है, और एलिमेंट इस तरह से आएगा कि वो 6 से लेस एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। और हमने इसका सेट बिल्डर फॉर्म ये बनाया था, समझ आया आपको। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन अगर इस स्टाइल में लिखते हैं हम, तो ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये वाला स्टाइल होता है में हम सेट का नाम लिखते हैं, फिर इक्वल का साइन डालते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट में एक्स लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं एक्स ही लिखो आप, कोई वेरिएबल लिखो, फिर दो बिंदियाँ लगाओ और वो उस वेरिएबल को डिफाइन कर दो कि इस वेरिएबल का मीनिंग क्या है। जैसे मैंने बोला एक्स, और वो एक्स क्या मीनिंग है उसका, एक्स जो एक नेचुरल नंबर है 6 से कम है। तो इस वाले स्टाइल को सेट के लिखने के लिए अपन बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मतलब एक्स इक्वल्स टू, सॉरी सेट का नाम इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। और एक्स को हमने डिफाइन कर दिया, जो सेट को बिल्ड करने वाला है, सेट किस तरीके से बन रहा है उसको ही एक स्टेटमेंट में हमने क्लैरिफाई कर दिया। सो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस, डेफिनेशन इसकी है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे हमने बोला सेट क्या होता है, इसमें वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं। सो हम क्या बोल सकते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कोई कॉमन प्रॉपर्टी तो होती है, क्योंकि तभी तो सेट कहलाएगा। हमने स्टार्टिंग ही इस बात से की थी, सेट होता ही क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, जिनको वेल तरीके से डिफाइन कर पाओ। सो अगर वेल डिफाइंड है तो उनमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी, तभी तो एक चीज़ के बारे में बोले कि एक जैसी चीज़ों का ही सेट बना। तो वेल डिफाइंड कॉमन प्रॉपर्टी जो होती है वही एक्चुअली हम ये वेरिएबल इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू समथिंग करके डिफाइन कर देते हैं। तो विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, और ये प्रॉपर्टी किसी और के पास नहीं है जो सेट के बाहर है। जैसे मान लो आने वाला कि 6 से कम नेचुरल नंबर, तो सेट के बाहर जैसे 7 रह गया, 7 के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है कि ये इस वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर दे, इसलिए तो बाहर है, ठीक है। इसलिए इसने बोला कि हर एलिमेंट जो है सेट में वो कॉमन प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ रखता है, और क्योंकि वो कॉमन प्रॉपर्टी रखता है तो इसलिए उसमें एलिमेंट होते हैं वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, और जो बाहर होते हैं उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। सो ये एग्जांपल दिए जैसे एक्स, एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सो अगर आप इतनी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो, मतलब आपको पूरा सेट क्लैरिफाई हो गया। आप इससे क्या समझ सकते हो कि अगर मेरे को इससे रोस्टर बनाना है तो लिखूंगा वी सेट नाम वी इक्वल्स टू, ये कौन सी फॉर्म होगी, इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि आपने इसमें जो भी एलिमेंट है उसको एक्स से शो किया, और उनमें कोई सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी थी। वो प्रॉपर्टी क्या है कि वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, अंग्रेजी के जितने लेटर होते हैं उनमें वो अल्फा वो वोवल है, ठीक है। वोवल के होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो अगर आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूँ, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, डन, तुम कहानी ये हो गया। इससे रोस्टर फॉर्म बना दी मैंने, बट ये जो स्टाइल है लिखने का ये सेट बिल्डर फॉर्म है। होगा आपको सेट बिल्डर फॉर्म एग्जाम में आ गई होगी, डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। अब आपको जैसे अपने स्टार्टिंग में क्या किया, आपने रोस्टर फॉर्म की प्रैक्टिस करने के लिए क्या किया था, ये आपको स्टेटमेंट दे करके मतलब एक तरह से आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी थी और आपने रोस्टर फॉर्म बनाई। अब इससे उल्टा प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी देर कि सेट बिल्डर फॉर्म आपको बनानी है और आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है। सेट ए इक्वल्स टू समथिंग समथिंग आपको दिया हुआ, तो अब रोस्टर फॉर्म तो आपने बना ली, सेट बिल्डर फॉर्म बनाते टाइम आपको क्या ध्यान देना है, आपको क्या चाहिए सेट बिल्डर के लिए, ये वाली बात, ये जो मैंने सर्कल करा है कॉमन प्रॉपर्टी, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी आपको पहचान में आनी चाहिए। इसको देख के एलिमेंट को कि इनमें ऐसे क्या गुण है जो आप डिफाइन कर पाओगे इस एलिमेंट को, सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उनमें क्या चीज़ है जिसको आप डिफाइन कर पाओगे। ये तो हमें पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं, ए सेट का जो नाम होता है वो तो सेम ही रहता है, चाहे सेट बिल्डर हो चाहे रोस्टर फॉर्म हो, तो ए तो लिखना ही है, इक्वल का साइन है वो भी लगाना ही है। सो ए इक्वल्स टू ब्रैकेट का साइन जो है करली ब्रैकेट ये भी लगाना है, शुरू भी करना है और फिर एंड भी करना है क्लोज करके, ठीक है। यहाँ लिखा जाता है एक्स, एक एलिमेंट एक्स होगा, सच दैट मतलब दो बिंदियाँ लगाता हूँ एक ऊपर एक नीचे, और फिर एक कॉमन प्रॉपर्टी जो इनकी है वो मेरे को यहाँ लिखनी है स्टेटमेंट में। सो एक्स इज, एक्स है क्या है वो देखो क्या है, तो 1 4 3 16 25 देखते ही पता चलना चाहिए 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, सो साउंड चलती जाएगी। बिंदी बिंदी मतलब ऐसे गाड़ी चलती जाएगी। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि बिंदी का मतलब कि चलता जाएगा चलता जाएगा, फिर इसको कौन सा सेट बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट जो खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये इनफाइनाइट सेट है, बट अभी अपने को ये इनफाइनाइट बात पूछनी है, बट मैं साथ साथ ये भी चीज़ें बताते जा रहा हूँ आपको कि मैं अलग से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आपको। सो ये किसका स्क्वायर कर रहे हैं, 1 2 3, 1 से काउंटिंग स्टार्ट हुई, 1 को क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर, ये सब इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद 1 और नॉन नेचुरल नंबर, तो क्या बोलेंगे एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ब्रैकेट क्लोज, कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, सो एक्स का स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हो गया सेट बिल्डर में, वो आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी क्या है इनको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो मैं इसकी मान लो लिखता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ, शायद मैंने क्वेश्चन आधा लिखा होगा, एक्स इक्वल्स टू या ए इक्वल्स टू, इसको बोलता हूँ ए इक्वल्स टू, मैं मिस कर दिया शायद क्वेश्चन प्रिंट करते टाइम तो इसका नाम होगा कुछ और उसको अपने को सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, साथ में लिख देता हूँ। सो ए जो इसका नाम है वो तो है ही है, ए इक्वल्स टू 3 6 9 12। सो ये तो पता है आपको एक्स, दो बिंदियाँ लगाते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी जो है उसकी कहानी इंग्लिश में यहाँ टाइप करनी है। तो क्या लिखूँ, क्या समझ आ रहा है मेरे को, 3 के साथ 2 किया मल्टीप्लाई, फिर 3 के साथ मतलब 3 का टेबल ही लिखा हुआ एक्चुअल में, ये 3 6 9 12 तो 3 का टेबल है, और या फिर इसको अपन बोल सकते हैं क्या 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 9, नहीं अपन बोलेंगे इसको 3 इंटू नेचुरल नंबर कर देता हूँ मैं, 3 इंटू नेचुरल नंबर ऐसे बोल रहा हूँ, इसको 3 इंटू नेचुरल नंबर करूँगा तो मतलब 3 के साथ हम नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3, बट उसके ऊपर भी कंडीशन है फिर नेचुरल नंबर आपको कहाँ स्टॉप करना है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स इज, एक्स क्या है, एक्स एलिमेंट है किसका 3n का, और वो 3n जो है वो लेस देन होना चाहिए किससे, और मतलब n इसमें क्या रहना चाहिए भैया, n को भी आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, नहीं ये लिमिटेड 4 ही नंबर तक लाना है भैया। n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन और इक्वल टू 4, बढ़िया क्लोज। क्या था x इक्वल्स टू 3n है, जहाँ n क्या है 1 से स्टार्ट होगा 4 पे खत्म होगा, क्योंकि 3 1 से करोगे 3 आएगा, 3 4 से करोगे 12 आएगा। सो ये होगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ी दूर दूर चला गया, गैप बीच में रखना नहीं आपको, एक्सिस या फिर ये लिखता हूँ मैं, एक्सिस भी नहीं लिखना था यहाँ पे, सिंपली एक्स एलिमेंट ऑफ, ये ऐसी पढ़ने में आएगी इसकी अंग्रेजी, एक्सिस एलिमेंट ऑफ, ठीक है एक्स बिल्डर, और फिर ये आगे चिपक जाएगा इसके साथ, ये ऐसा मतलब एरो नहीं लगाना आपने, मतलब जगह नहीं छोड़नी बीच में। तो सेकंड है ये, सो ये इसको मैं लिखूंगा ए, सेकंड वाले का आंसर लिख देता हूँ सॉल्यूशन सेट ए और ब्रैकेट एक्स, सेट एक्स इज क्या, सो एक्स देखो ये 2 का टेबल चल रहा है एक्चुअल में, लिखूंगा एक्स एलिमेंट ऑफ 2n, और n यहाँ पे कहीं रोका नहीं है किसी ने इसको, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट तो सारे नेचुरल नंबर जाते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ n क्या है उसको, n को भी डिफाइन कर देता हूँ यार, n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं होती आपको, नेचुरल नंबर ये पता ही होता है, अंडरस्टूड है कि आपके n का मतलब नेचुरल नंबर ही होता है, बट अभी आपके लिए कई बच्चों के लिए बिल्कुल फ्रेश चीज़ें होंगी, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ साथ में ये n का मतलब नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेम ऐसे ही आप देखो अगले का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सेम ये इतना सब पार्ट, फिर ब्रैकेट शुरू होगी, मतलब ए इक्वल्स टू ये कर ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज, अब यहाँ पे क्या है 2 फिर 4 8 16, मतलब 2 की पावर की बात कर रहा है, सो एक्स एलिमेंट ऑफ, और इसको फिर स्टॉप भी कर दिया, तो एक्स एलिमेंट ऑफ 2 की पावर n, ठीक है। देखो कैसे बोलता हूँ मैं इसको, इसे देखो 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32। सो ये 2 की पावर करने पे ये नंबर बनेगा। सो 2 की पावर क्या कर रहा हूँ मैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 पावर में आ रहा है, तो नेचुरल नंबर है। आपको नेचुरल नंबर को लिमिट करना है, कहाँ से शुरू करना है कहाँ पे खत्म करना है, उसके लिए आपने लिख दिया वेयर एंड शुड बी greater than or equals to 1, less than or equals to 5. Close. फिर a सेट a जो है वो equals to ये इसके लिए सोल्यूशन है. so a यहाँ पे x x such that a 1 4 3 ऐसा मतलब ये देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16. ये गाड़ी और कहाँ स्टॉप किया 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर. मतलब आपने सोचना है इन नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है. यहाँ पे वेर एंड इज नेचुरल नंबर. ऐसे मैंने बताया कि आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको ये समझ है कि यहाँ नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं. और बस हाँ एक बात और लिखनी पड़ेगी यहाँ पे वेर, वो भी कब लिखनी पड़ती है, हमारे पास मतलब फाइनाइट सेट होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसको स्टॉप लिमिट करने के लिए अपन यहाँ लिखते हैं. वैल्यू जो है आपने 1 से लेनी है 10 तक. सो एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 10. ये इक्वल का साइन इसलिए क्योंकि 1 को भी लेना है 10 को भी लेना है. होप क्लियर हो गया होगा आपको. लेट्स मूव अहेड. मैच द फॉलोइंग करके है, इसको भी जल्दी से निपटा देते हैं. तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट आप समझ आओ ए बी सी डी जो है वो राइट साइड की चीज़ें, 1 2 3 4 लेफ्ट साइड की चीज़ें आपको मैच करना है. 1 2 3 6 में सबसे ईजी जो है अंग्रेजी वाला, उसको अलग से जेड से पहचान सकते हो. मैथमेटिक्स तो इसका देखो आप यहाँ पे ये आंसर है क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स है. ये है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, और ये इसकी रोस्टर फॉर्म आपको दे रखी, सेट बिल्डर फॉर्म तो आपको दे रखी रोस्टर फॉर्म, ठीक है. अब टोर कहाँ शुरू करें फिर, जैसे 1 3 5 या फिर जो लिखता है ये नेचुरल नंबर नहीं. 1 2 3 6 यहाँ पे 2 3 1 3 5 7 9 इधर पढ़ते हैं. अच्छा देखो क्या लिखा है, एक्स प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 3, सॉरी डिवाइजर ऑफ 6. एक्स एक प्राइम नंबर है तो यही चाहिए करना क्योंकि प्राइम नंबर है तो थोड़े लिमिटेड से ही होंगे. और वो प्राइम नंबर 6 को डिवाइड करता है. सो प्राइम नंबर कौन कौन से, देखो यहाँ तो कुछ ऐसे भी हैं जो प्राइम नहीं है. सो यही ऐसा सेट है जिसमें प्राइम नंबर है और ये 2 और 3 जो है 6 को डिवाइड भी करता है. तो इसका मैच कर दिया इसके साथ. फिर 1 3 5 7 9 इधर पढ़ते हैं थोड़ा स्टेटमेंट को. एक्सीजन मतलब आप सेट बिल्डर को पढ़ोगे तो आपको रोस्टर देखना आसान है क्योंकि मैंने इसको पहली झलक में देखा तो एक चीज़ तो दिख गई इधर क्लियरली, मैथमेटिक्स का लिंक इसके साथ. पर बाकी चीज़ें जो है वो कोई पैटर्न फॉलो करती नहीं दिख रही, इसलिए अब इधर पढ़ूंगा तो फिर इधर से इधर की तरफ जाऊंगा, वो ईजी है. एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए. सो ऑड होना चाहिए तो ये है नेचुरल नंबर ऑड और ये 10 से कम है सारे. अब बचा एक तो उसको सीधा ही चिपका दो. कौन सा बच गया था पहले वाला, ये टेप जला गया, ठीक. सो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे. अब आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपको सब बातें समझ आ गई होंगी. सो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.